So, hey everyone, this is Karan. So, I am so glad to announce that we are going to launch a course, Cyber Security. सिक्योरिटी तो जब मैं इस फील्ड में बिगनर था तब मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुए तो मैं नहीं चाहता कि अगर कोई आगे वाला बंदा है तो उसे भी फेस करना पड़े सो आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ दिस कोर्स high quality. वैसे तो ये एक बिगनर लेवल कोर्स है लेकिन ये मोर देन इन है बिगनर से क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं मुझे एडवांस टॉपिक भी इंक्लूड करना पड़ा एज अ तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने डिज़ाइन करके रखा है पूरे कोर्स का तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कोर्स में क्या क्या होने वाला है और कैसे करने वाले हम सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ कोर्स ओवर तो कोर्स असल में एकदम डीप नॉलेज होने वाली कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा तो जैसे कि आप अगर कोई एडवांस टॉपिक सीखने जाओगे तो आपके वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं और मतलब कोई टॉपिक पता नहीं होता तो आप एडवांस टॉपिक में पीछे रह जाते हो तो मैं नहीं चाहता तो बेसिक्स वाले सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर करने वाले एज वेल एज जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसके लिए तो वाइल्ड लर्निंग मुझे बहुत सारे सोर्सेस यहाँ अलग अलग जगह से इकट्ठा करके मुझे सीखना पड़ा था तो मैंने वही कोर्सेस और जो भी एडवांस लेवल के भी टॉपिक्स है वो सब कुछ इंक्लूड करके एक बेसिक सा ही कोर्स बनाया है तो मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको कुछ आना चाहिए तो एकदम जीरो से लेके हाई लेवल के भी टॉपिक्स में यहाँ पे क्लियर करूँगा तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं में जस्ट बी अ रिलैक्स और वॉच सो so, बात करते फीचर्स के बारे में जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको क्वालिटी कॉन्टेंट्स डीप नॉलेज और बिगनर फ्रेंडली होगा ये कोर्स आपके लिए और ये लास्ट रियल वर्ल्ड रियलवेंस तो क्या होता है ना तो बहुत सारे टॉपिक्स थियोरिटिकल होती है और जो वो फ्यूचर में यूज़ भी नहीं होती तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं डाला है एकदम जो असल में रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे आप जो भी ज़रूरी इंडस्ट्री लेवल से तो उसे हम कवर करेंगे तो ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग नहीं इसमें हमने नेटवर्किंग भी इंक्लूड किया है अब बात करते ये कोर्स किसके लिए असल में किसे ये बेनिफिशियल है तो पहला तो मैं कहूँगा एनी क्योंकि आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर वो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हो या फिर नहीं हो क्योंकि अटैक्स हर किसी पे हो सकते हैं अब एक अटैकर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक नहीं करता वो एक पर्टिकुलर पर्सन पे भी अटैक कर सकता है तो खुद के एसेट्स खुद की वैल्यू को कैसे सिक्योर करे वो भी हम इसमें देखने वाले हैं तो ऑब्वियसली मैंने जो बताया कि इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं या फिर आप कोई भी टेक्निकल को बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ये कोर्स उनके लिए भी जो खुद की बेसिक स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर किसी को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एक्सपर्ट होना है तो वो भी इस कोर्स को परसीव कर सकते हैं और फिर बिगनर लेवल कोर्स है लेकिन मोर देन इनफ मैंने इसमें इंक्लूड किया टॉपिक्स uh, और इन्हें वो भी देख सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट्स है स्पेसिफिशियली उन स्टूडेंट के लिए भी है और सेल्फ लर्निंग यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप या फिर कोई डोमेन चेंज कर रहा है कंप्यूटर साइंस से साइबर सिक्योरिटी के लिए तो ये उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट एकदम बेस्ट होगा तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो भी बिगनर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे टॉपिक्स तो मैं कहूँगा कि आप है ना एक सेपरेट नोट्स बना के रखिए ताकि क्या होगा कुछ कुछ नए टॉपिक्स आएंगे तो मैं समझा दूंगा आपको क्लियर भी हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम या कुछ हफ्तों के बाद आपको वो फिर आपको वो टॉपिक का नाम रह, याद रह जाएगा फिर आपका होगा ये टॉपिक क्या था तो मैं नहीं चाहता कि आप एक टॉपिक के लिए पूरी वीडियो फिर से देखें तो आप एक नोट्स बनाइए जिसमें शॉर्ट टर्म में उसे एक्सप्लेन कर दीजिए सो आर यू रेडी फॉर कोर्स थैंक यू और मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में थैंक यू फॉर वॉचिंग